भगवान तुलसीदास हरिगुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इसके अनुसार जिज्ञासा है, श्री हरिगुरु का स्वरूप क्या है, करुणा का भी स्वरूप क्या है, करुणा के प्रभाव से प्राप्त विमल विवेक क्या है, और विवेक के प्रभाव से भवसिद्ध सिंधु का संतरण भी क्या है। उसमें मुख्य बात ये कही गई थी, करुणा जो है ये भी हरि गुरु का मूल रूप। देखते हैं कि संसार के प्राणी बिना किसी कारण के केवल भ्रम बस केवल अविवेक के कारण संसार में उलझे हुए हैं। मृत्यु नहीं है पर मृत्यु से डरते हैं, दुख नहीं है दुख से डरते हैं, परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, परंतु परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु मान करते और बेचैन हो रहे हैं। तो उस तगो संपूर्ण सद्गुणों के निदान भगवान के हृदय में एक प्रकार की द्रवता उत्पन्न होती है, वो द्रवित हो जाता है, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, व्याकुल हो जाता है लोगों के प्राणी में, लोगों के दुख से व्याकुल हो जाता है। तो हरि जीव के हृदय में परम सुख परमानंद परम ज्ञान परम सत्ता एक प्रति एक आकर्षण उत्पन्न कर देता है। मिट्टी शरीर में जो है वो मिट्टी से मिलना चाहती है, बिना मिट्टी के रह नहीं सकती। पानी पानी से मिलना चाहता है, बिना पानी पिए रहने, तेज तेज से मिलना चाहता है, वायु वायु से मिलना चाहता है, आकाश आकाश से मिलना चाहता है। भगवान ने संकेत सबका सबके हृदय में पहले से ही भर दिया है, बड़ी कृपा बड़ी करुणा उनके हृदय में उद्वेलित होने लगती है। कबहु कर करुणा देख ईश बिन वेक शरीर। अद्भुत तो भक्तों ने ये कर दिया कि भगवान बिना किसी कारण के ही कृपा करते हैं, वैषम्य नहीं ग्रहण दोष वेदांतियों ने माना है, भगवान किसी पर कृपा करते हैं किसी पर कृपा नहीं करते हैं, तो कौन सा संबंधी है उनका जिस पर कृपा करते हैं, और कौन सा शत्रु है उनका जिस पर कृपा नहीं करते हैं। बोले नहीं, संबंधी असंबंधी की बात नहीं है, भगवान का दिल ही इतना कोमल है, इतना करुण है कि वो प्राणियों को दुखी नहीं देख सकता, और सच
सब प्राणियों का हृदय भी भगवान का ही हृदय है। प्राणियों का दुख भी भगवान का ही दुख है, भगवान का सुख भी प्राणियों का ही सुख है। वे स्वयं अपने को कभी सुखाकार कभी दुखाकार करने की लीला करते रहते हैं। लोकोत्तु लीला कैवल्य, जैसे एक पिता को अपने पुत्र पर जरा सी बात पर नाराजगी आ जाती है और जरा सी बात पर खुशी आ जाती है, ऐसे भगवान का हृदय खेल मेल में लगा रहता है और कहीं टाँचा कहीं चाका मारकर और कहीं मलाई खिलाकर अपने बच्चों को प्यार करता रहता है। है तुलसी विश्वास है, प्रभु मूर्त कृपा मई है, भगवान की मूर्ति कृपा मई है। कैसे भी वो जो दंड देते हैं वो भी कृपा है, यहाँ तक कि जब मनुष्य पाप से लग जाता है तब कृपा करके उसको नरक में डाल देते हैं। उसके पहले पाप दूर करने के लिए, उसकी पहली बुराई दूर करने के लिए ऐसा गोता उसको खिलाते हैं कि फिर वो सावधान हो जाता है और आगे अच्छा काम करने लगता है। तो असल में हरि ही भगवान का सर्वव्यापी रूप है और गुरु ही भगवान का प्रकट रूप है। वही जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जहां कृपा उनकी प्रकट होने होती है वहां व्यक्त हो जाती है। कृपा व्यक्त होती क्या है, भगवान की कृपा पर विश्वास हो जाता है। जो अमांगलिक है, जो पापी है, जो दुखी है, वो तो कृपा को भी अकृपा समझने लगता है और जो पुण्यात्मा है जिसके ऊपर भगवान की नजर पड़ गई है वो उनको परम कल्याण में देखने लगता है। किसी का ही भेद होता है। एक बहुत बड़े संत का यह प्रसिद्धि है देश विदेश में। हम लोग उनके पास गए, कई देश के बड़े लोग थे उनमें मंडली का। वो कहते हैं बदलता कुछ नहीं, पेड़ पेड़ रहता है, पौधा पौधा रहता है, आदमी आदमी रहता है, केवल दृष्टि बदल जाती है। जिसको भ्रम बस दो दुख समझते हैं वही भगवान के कृपा पात्र को बड़ा गुण दिखने लगता है। कहो हो भगवान अगर इस योनि से हमको छुड़ा न देते, मार न देते, तो हमको और उत्तम योनि प्राप्त हो करके सुख नहीं मिलता। हम इतने पाप में लगे हुए थे, बुराई में लगे हुए थे, इतने दुख में थे, भगवान ने कृपा करके करुणा करके हमको इससे छुड़ा दिया। तो जैसे निराकार भगवान अवतार ग्रहण करते हैं या वैकुंठवासी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं, वैसे ही भगवान गुरु का अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करते हैं।
ये जीव, ये गुरु, ये गुरु भगवान के दिव्य अवतार है। और अवतार तो रावण को मारने के लिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नैमित्तिक अवतार होते हैं, परंतु ये जो गुरु है ये तो जीवों के कल्याण के लिए नित्य अवतार है और सदा रहते हैं सृष्टि में। ये नहीं कि कभी रहे और कभी नहीं रहे। तो ये तुलसीदास हरि गुरु करुणाबिन विमल विवेकन होई बिन विवेक संसार घोर निधि पार पावे कोई। संसार रूपी घोर निधि को पार करने के लिए अंतिम साधन है विवेक, और वो विवेक होता है हरि गुरु की करुणा से। समझ लो कि सत्संग में जिसकी रुचि हो गई उसके ऊपर भगवान की करुणा हो गई, और जिसकी बुद्धि संसार में बिखर गई छोटी छोटी बातों में जिनमें कोई सार नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी, जो ज्ञान अज्ञान के झूले में झूल रहे हैं, जो सुख दुख के झूले में झूल रहे हैं, उन पर भगवान की कृपा तो है, कभी न कभी उनका भी पर्दा फटेगा और कृपा फिर समुद्र में डूबेंगे उतर आएंगे, परंतु जब तक विलंब है विलंब है। आत्मां बुरासौ निखिले निखिलो की लोको मग्नो की नाचामत देखते च आश्चर्यमेतन मृग तृष्णिका भी भवांबुरासौ रमते मृषय। आत्मा परमानंद स्वरूप है, परम ज्ञान स्वरूप है, अखंड सत्ता है, परंतु लोग उस अपने स्वरूप को जानते नहीं है और ब्रह्म बस ये फूल है, ये कुछ है नहीं, ये कोई पत्थर पत्थर का पहाड़ नहीं है, ये कोई अज्ञान का अंधकार नहीं है, ये कोई गंदगी का समुद्र नहीं है, ये एक भ्रम ही है कि जैसे पलंग पर सोता हुआ मनुष्य बुरा स्वप्न देखने लगे और अत्यंत दुखी हो जाए, ठीक उसी प्रकार ये एक स्वप्न है। सपने हो विकारी नृप रंग नाशपति हो जागे हान मिलावत प्रपंच जी देव जोड़े। जहाँ भगवान का हृदय उद्वेलित होता रहता है प्राणियों पर कृपा करने के लिए, इसका कल्याण करें, इसका कल्याण करें, इसका कल्याण करें, जे भजन के तुमाम भक्त्या मई ते सुचाप के हम, भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा की जिस दिन भगवान भूखा रखते हैं उस दिन समझो कि तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, जिस दिन पानी पीने को न मिले उस दिन समझो कि आज खास हमारे ऊपर खास काल है। आपको एक बात सुनाता हूँ, है तो बहुत मामूली, यही वृंदावन की बात है। एक दिन एक सज्जन सिंधी बड़े योग्य थे, योग्य पुरुष थे, आके मेरे सामने दोनों हाथ उठाकर नाचने लगे और खूब खुश खूब खुश। मैंने पूछा क्या बात है भाई ऐसी, क्या खुशी है? तो खुशी यह है कि भगवान हमको पहचान गए, भगवान हमको पहचानते हैं। तो कैसी पहचानते हैं भाई? तो पहले तो देश छुड़ा दिया, उसके पास जो वहां संपत्ति थी वो किसी पर विश्वास करवा के, इस पर विश्वास करके इसको दे दो,
ये तुमको रुपया पहुंचाता रहेगा 6,000 रुपया महीना, और तुम आनंद से जाके भारत वर्ष में रहो तो देश छूटा, गांव छूटा, तो बच्चे छूट गए, कुछ उस घर के संबंधी छूट गए। अब मैं अकेला बिल्कुल देखता हूँ कि मैं हूँ और भगवान हूँ, कितनी कृपा मेरे ऊपर भगवान की है। जब हम दुख में भगवान की कृपा का सुख देखने लगते हैं, जब हम घोर पीड़ा में, घोर कष्ट में भगवान का मंगल में हाथ देखने लगते हैं। एक पारसी था मुंबई में, वो बीमार पड़ा, हमसे बहुत प्रेम था उसका। उसने समाचार भेजा कि आप हमको मिलने के लिए आइए। अस्पताल में गया, अस्पताल में गया, उसके शरीर पर हाथ फेरा, वो बताने लगा, हाँ खुश हो गया, क्या पीड़ा थी, मर गया, वही थोड़ी देर बाद मर गया, क्या खुशी। तो महाराज, भगवान ने 4 दूत मेरे लिए भेज रखे हैं और चारों तरफ मेरे खड़े हैं, और क्या दिव्य पुरुष हैं, वो हमको यहाँ से उठा के भगवान के धाम में, भगवान के लोक में ले जाएंगे। तो असल में कमी जो है वो पहचान की है, और वो पहचान जब भगवान की, गुरु की करुणा, करुणा की पहचान, विश्वास की पहचान, भगवान हमारे परम हितैषी हैं, परम कल्याणकारी हैं, भगवान हमारे आत्मा हैं, भगवान हम ही हैं, इस तरह जब भगवान के साथ संबंध नहीं, एकत्व की स्थापना होती है, तो सब का सब परमानंद स्वरूप हो जाता है। प्रभु, भगवान के लिए भक्त जैसे तरकता है, वैसे भगवान भी भक्त के लिए तरकते हैं क्या? हमारे भगवान को किसी प्रकार तर्पण ना हो, इसलिए हम क्या करें? भगवान भक्त के लिए तड़पते हैं, ये बात तो भक्ति के ग्रंथों में आई है। रुक्मणी का ब्राह्मण जब आया संदेश लेकर, वहां भागवत में आया है, तथा हम अभी तक चित्तो निद्राम च न लभे निशि, जैसा रुक्मणी का मन मुझ में लगा है वैसे ही मेरा मन रुक्मिणी में लगा है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, सारे दिन कर रात काटता हूँ कि हमारी प्यारी रुक्मिणी हमारे बिना कितना व्याकुल होगी। असल में भगवान और जीव, इनका जो हृदय है, इनका जो दिल है, इनका जो माथज है, वो एक ही है। देखो सुदामा के प्रसंग में आया है, प्रीतो व्यमुच्यत अबिंदु, इतनी खुशी हुई सुदामा को देखकर कि उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयन निके जलते प्रगट हुए। तो भगवान, हम लोग जब भगवान के लिए हम लोग तड़पते हैं, तो भगवान भी हमारे हमारे भीतर तड़पते रहते हैं। भगवान का हृदय और हमारा हृदय अलग अलग नहीं है, भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। जैसे जब हम भगवान के लिए व्याकुल होते हैं, हा हा प्रदानुभविता सी पदम दशोर में, हे प्रभु वो समय, वो क्षण जीवन में कब आवेगा जब आप हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान के लिए हम व्याकुल होंगे तो भगवान हमारे लिए नहीं होंगे। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है उसी भाव से भगवान उसका भजन करता है।
भगवान जीव के लिए रोते हैं, जीव का कल्याण करते हैं, जीव का कल्याण करते हैं, और जीव यदि नरक में हो तो उसके उद्धार के लिए भगवान नरक में जाते हैं और नरक में से जा करके जीव का कल्याण करते हैं। भगवान पर आप विश्वास करते हैं तो समझिए कि आप अभी परमानंद के समुद्र में डूब रहे हैं। ऊपर समुद्र, नीचे समुद्र, दाएं समुद्र, बाएं समुद्र, समुद्र के फुहारे उठ रहे हैं, समुद्र की नदियां बह रही हैं, समुद्र की वर्षा हो रही है, कृपा कृपा की वर्षा हो रही है, तो कृपा कृपा उमड़ रही है, हम सब कृपा कृपा कृपा। ये तो जब हम चाहते हैं कि ऐसा न हो ऐसा हो, भगवान से मतभेद करते हैं, जैसा भगवान कर रहे हैं उसमें हम प्रसन्न नहीं होते हैं, तब हमको दुख होता है। नहीं तो जो कुछ भगवान करते जा रहे हैं, एक से अनेक होना तो ये प्रकृति है। पहले एक प्रकृति थी, उससे महत्त्व हुआ, आम हुआ, पंच तन्मात्रा हुई और फिर पंचभूत बने। पंचभूतों में अलग अलग पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गए और वो अलग अलग बन करके एक पृथ्वी में कई भारतवर्ष बन गया और ये क्या नाम है, एशिया बन गया और ये अमेरिका बन गया, ये अफ्रीका बन गया। कुछ नहीं, एक ही मनुष्य है और एक ही देश है और एक ही काल है। काल में भी भेद नहीं है, देश में भी भेद नहीं है, वस्तु में भी भेद नहीं है। एक कल्याणकारी प्रभु ही हम सब लोगों के मंगल के लिए अनेक रूप में लीला कर रहे हैं। इस लीला का आनंद तब आता है जब भगवान की कृपा को हम पहचानते हैं। तो देखो क्या कृपा हो रही है। सूर्य हमने बनाया कि इतनी रोशनी रहती है, चंद्रमा हमने बनाया ये घूमने फिरने के लिए, आकाश का अवकाश हमने दिया, ये अग्नि हमने प्रकट किया, ये पीने के लिए पानी हमने बनाया, ये क्या हमें गोद में रखने के लिए धरती हमने बनाई, अन्न हमने पैदा किया। सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं और भगवान ही कल्याण कर रहे हैं, बस सबका सब मंगल ही मंगल है। अमंगल की कल्पना ही कल्पना है और सो भी भ्रम बस है, वस्तुतः कहीं अमंगल नहीं है। जीना भी मंगल है और मरना भी मंगल है, रोना भी मंगल है और हंसना भी मंगल है। मंगल की पहचान होनी चाहिए। भगवान, कल आपने बताया कि आत्म साक्षात्कार की तीव्र व्याकुलता होनी चाहिए, जितनी गहरी व्याकुलता होगी उतनी ही जल्दी साक्षात्कार होगा। दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि निसंकल्पता और प्रसाद की भूमि पर ही तत्व चिंतन होता है, तो दोनों में संगति नहीं लग रही है, तो वो संगति लगा दीजिए। वो तो स्पष्ट है संगति कि प्रपंच के लिए, दुनियादारी के लिए कोई संकल्प न हो। जितना जितना संसार का संकल्प छूटेगा उतना उतना, जब तक हम खड़े को चाहते हैं हमारा संकल्प घड़े में गया, और जब घड़े का संकल्प छूट गया तो संकल्प अपने स्वरूप में बैठ गया। असल में अपने स्वरूप में बैठना ही सबसे बड़ा प्रसाद है और संसार का चिंतन करना ही सबसे बड़ा अमंगल है। ये हिमालय में जाते हैं, तपस्या करते हैं, लौटते हैं, एक सज्जन मिले हम लोगों को, मैं था चक्रजी बोला,
तो चक्र जी तो जो बहुत कड़ी प्रकृति के हैं शुरू से ही, 19-20 वर्ष के होंगे तब से हमारे पास। तो महात्मा ने कहा कि भगवान ने हमको दर्शन दिया और दर्शन देकर गीता की पुस्तक दी, और गीता की पुस्तक देकर कहा कि अब जाओ तुम इसका प्रचार करो, और फिर मैं धरती पर उतर आया। चक्र जी ने पूछा, महाराज वो किस प्रेस की छपी हुई गीता थी? गीता प्रेस की ही तो नहीं थी है? तो देखो, एक ओर भगवान में जाना, भगवान से मिलना, भगवान से एक होना, आज्ञा पालन भगवान का धर्म है, और भगवान के प्रेम में तन्मय हो जाना ये उनकी उपासना है, और संसार में सबसे संबंध छूट जाना, असंबंध आत्मा के रूप में रहना ये योग है, ये सांख्य है। और नारायण, संबंध के लिए कोई दूसरी वस्तु का न रहना ये तत्व ज्ञान है, अद्वितीय है अपना स्वरूप। तो ये प्रपंच में प्रपंच का संकल्प छूटना और भगवत संकल्प का उदय होना, ये जीव का परम कल्याण है। भगवान ही भगवान, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, जित देखो तित श्याम मई है, यही कहूँ श्याम काहू कुंज में फिरत मई है, भुज भर भेट देखो ये महत है, यही है श्याम सुंदर, चाहे जहाँ कहीं जब। ये हमारे कलाधारी के महात्मा थे, पेड़ के साथ लिपट जाते थे और घंटों उसके साथ बात करते थे, पता नहीं वो पेड़ उनसे क्या कहता था और वे क्या कहते थे। ये हृदय का ही निर्माण होता है, भगवान का निर्माण नहीं होता है। योगी अरविंद क्या, हम लोगों ने बहुत साथ प्राप्त किया, उनका कहना था कि सृष्टि दिव्य हो जाएगी, और हम मित्रों का कहना था कि सृष्टि दिव्य नहीं हो सकती, ये तो मायामयी है, ये तो प्रकृति है, ये जड़ है, ये कभी दिव्य नहीं हो सकती। अंत में ये निश्चय हुआ कि सृष्टि नहीं बदलती है, दृष्टि ही बदल जाती है। ये सारा भजन जो अपने जीवन में होता है ये दुनिया को बदलने के लिए नहीं होता, अपने को ही बदलने को होता है। जिस शरीर में दृष्टि बदल जाती है उसके लिए सारी की सारी सृष्टि बदल जाती है, जहाँ देखो वहाँ में रहो नाहीं छोर, नंद नंदन अचत कैसे यानिए उरयोर, बस ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, अपने हृदय को पवित्र करो और सब में एक परमात्मा एक प्रभु को देखो, और ये गुरु और भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। प्रयास करो कि भगवान और गुरु की कृपा का करुणा का हमारे जीवन में अनुभव हो गए। है तो सिंह विश्वास एक प्रभु मूलत कृपा मिली है। महर्षि सवेरे शौच आदि की निवृत्ति के बाद और स्नान के पहले हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं क्या? हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी बानर बने इसीलिए कि उनका पाठ करने के लिए कोई पवित्रता पवित्रता का ज्यादा ध्यान रखकर, चाहे जो जिस जात का हो, स्त्री हो पुरुष हो चमार हो बंदी हो हरिजन हो वाल्मीकि हो, जो भी हो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सबके लिए ही हनुमान जी ने ये बानर का रूप धारण किया, सबके कल्याण के लिए है, और चाहे जब जय ही कर सकते हैं।
अपनी हीनता अपनी वीरता से आप मत यह कर रहे आपके लिए वो मनाई है और बाकी लोगों के लिए छुट्टी है क्योंकि वो हनुमान जी अपनी जैसे आप किसी से कहते हो ना मैं दीन हूँ गरीब हूँ मेरे पास कुछ नहीं है जैसे आप अपनी दीनता प्रकट करते हो वैसे हनुमान जी भी अपनी दीनता प्रकट करते हैं है उनके पास सब कुछ जैसे आपके पास सब कुछ है वैसे उनके पास भी सब कुछ महर्षि पूर्व कृत पापों का क्षालन वर्तमान में पुण्य कर्म से होता है कि नहीं कि पाप का फल पाप और पुण्य का फल पुण्य होता है दूसरी है कि आप भजन में लग गए है तो क्या पापों से भी छुटकारा हो जाएगा पहले का ऐसा है इसमें पहले तो पाप बहुत किए हुए हैं और अब पुण्य करने लगे बहुत जैसे गोदाम में कोई चीज रखनी हो और पहले खूब बुरी बुरी चीजें उसमें गोबर खाद पहले रख देगा और बाद में शक्कर के बोरे आवे और अच्छी अच्छी चीजें उसमें रखती है तो जब निकलने का समय आवेगा यही जो पहले पीछे की रखी हुई चीज होगी वो पहले निकलेगी और जो पहले की रखी हुई होगी वो बाद में निकलेगी। अब इसमें यदि कहीं ऐसा हो गया ये पिछले कर्म करने के बाद आपने सत्संग किया भगवान की भक्ति की भजन किया ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो पहले के जो पाप हैं उनको भोगने से पहले ही आपकी मुक्ति हो जाएगी इसलिए छुटकारा हो जाएगा उनको नहीं भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप तो पाप ही रहते हैं पुण्य तो पुण्य ही रहते हैं लेकिन पीछे वाला जो है उसका फल पहले मिलता है इसलिए मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं स्वर्ग मिलेगा जो अंतिम जीवन में जो पुण्य करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और यदि मुक्ति नहीं हुई स्वर्ग हुआ तब तो ठीक है फिर पुण्य आत्मा होगा फिर पुण्य करेगा और यदि इतने में मुक्त हो गया तब तो करना ही क्या है। इसलिए अंतिम जीवन जो है वो अवश्य अच्छा काम करके व्यतीत करना चाहिए बुरा काम करके नहीं व्यतीत करना। नहीं पूर्ण की बात यह है कि जैसे एक राम नाम है एक बार केवल राम नाम का उच्चारण किया और उसके बाद मरने से पहले फिर कोई बुरा काम नहीं हुआ तो वो अंतिम जो राम नाम है वही मुक्त कर देगा। बस राम नाम के उच्चारण के बाद मरने के पहले पाप नहीं होना चाहिए सब नष्ट हो जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मलोक क्या होता है शास्त्र में जो आता है कि ब्रह्मलोक में गए जीव का पुनर्जन्म नहीं होता कृपया इस पर प्रकाश डालें। ब्रह्मलोक दो तरह का होता है एक तो ऐसा होता है जहां से पुनर्जन्म होता है आ ब्रह्म भुगनाल लोका उदरा वर्त दो जुदा मामोपेत कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक तो छोटे छोटे ब्रह्मांड होते हैं जिसमें अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं और अलग अलग सृष्टि स्थिति प्रलय होता है और एक ऐसा है जिसमें कोटि कोटि ब्रह्मांड एक में बिले हुए होते हैं। तो
ऐसा होना चाहिए पहले बोल कुछ बोल रहा था दो प्रकार के ब्राह्मण लोग होते हैं, ब्रह्म लोक होते हैं, तो जो एक छोटे ब्रह्मांड में जो जाएगा उसका तो वहां से पुनरावर्तन होता है, वो तो मरने के बाद लौट के फिर जन्म लेगा, और जो बड़े ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा हिरण्यगर्भ जिसको कहते हैं, हिरण्यगर्भ में पहुंच जाएगा तो वो हिरण्यगर्भ के साथ वो भी मुक्त हो जाएगा, उसका जन्म नहीं होगा। माने दो तरह के ब्रह्मा होते हैं, एक समष्टि के ब्रह्मा और एक व्यष्टि के ब्रह्मा। तो व्यष्टि के ब्रह्मा के लोक में जाने पर तो पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन समष्टि के ब्रह्मा लोक में जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या में सब धर्मात्मा पुण्यात्मा लोग रहते थे, उनको तो सुख ही सुख मिलना चाहिए था, परंतु इनको 14 वर्ष का भगवान से वियोग रूप दुख का क्यों भोगना पड़ा? भगवान के लिए जो दुख होना है ये कोटि कोटि पुण्यों से बढ़कर, ऐसा कौन है सृष्टि में जो भगवान के लिए दुखी होता हो? ये जो भगवान के लिए दुखी होना है ये भगवान से मिलाने वाला दुख होता है। जो संसार में दुख होता है वो पाप का फल होता है, और जो भगवान के लिए दुख होता है वो भगवान की बड़ी कृपा बड़ा अनुग्रह 14 वर्ष तक अयोध्या के लोगों को भगवान के चिंतन का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, इसी से अंत में वे सब के सब भगवान के साथ भगवान के लोक में गए। इसलिए भगवान के लिए दुखी होना ये पाप का फल नहीं है, ये पुण्य का फल है। राम की सन्निधि में रहने वाले सब साकेत लोग को प्राप्त हुए, और श्री कृष्ण के सन्निधि में रहने पर भी पांडवों द्रौपदी को नरक का दर्शन इसके बाद स्वर्ग में, ये ऐसा क्यों है, उनके मुक्ति क्यों नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति जरा कम कर दी, क्योंकि श्री रामचंद्र ने तो रावण को मुक्त नहीं किया, वराह ने हिरण्याक्ष को मुक्त नहीं किया, सिंह ने नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मुक्त नहीं किया, तो उन लोगों के लिए बंधन था मुक्त न करने का, और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो बिल्कुल स्वतंत्रता थी। देखो ईश्वर उसको कहते हैं जो कर सके न कर सके, उलट सके बदल सके, सब प्रकार का सामर्थ्य जिसमें रहता है। ईश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, तो वो मुक्त को भी बद्ध मुक्त जैसे है हिरण्यकशिपु, जय विजय मुक्त है, उनको बंधन में भेज सकता है, और जो बंधन में है अजामिल उनको मुक्त कर सकता है। ईश्वर में सब प्रकार का सामर्थ्य है, वो बंधन को गुप्त, मुक्त को बद्ध, रंक को राजा, राजा को रंक, सब तरह का बना सकता है। ईश्वर के लिए ये नियम करना कि वो ये नहीं कर सकता क्यों किया, ये नहीं बनता है। फिर भगवान क्या होगा, उसके ऊपर भी अगर किसी का बंधन होगा तो जिसका बंधन होगा वो ईश्वर होगा। अपने कर्म से जो उतरेगे पार तो पर हम करतार, करतार तुम काहे के। भगवान से ऊपर और कोई नहीं है जो कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते, सबसे छुट्टी है भगवान को। विनय पत्रिका में यह आश्वासन दिया गया है, दम्भो कलिनाम कुंभ यशो, जीवन में ये अनुभूति प्रतिफलित ना होने का क्या कारण है? ऐसा है कि
जीवन में ही यदि अनुभूति हो जाए तो उसका फल कहाँ होगा। जीवन में भगवान का नाम लेने से आदमी अच्छे रास्ते पर पड़ गया, उसके पाप के रास्ते कट गए, और यदि फिर वो पाप न करे तो वो निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। भगवान का नाम, एक नाम समुद्र को सुखाने के लिए अगस्त से लिखा है, परंतु वो एक नाम अंतिम नाम होना चाहिए, उसके बाद फिर पाप नहीं होना चाहिए।